अतः तत्वों की संयोजकता बंध बनाने के लिए त्यागे या ग्रहण किए या फिर साझे के लिए उपलब्ध किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं तो सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से सहसंयोजी बंध को समझें। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें काला भाग कार्बन परमाणु को दर्शाता है और लाल भाग हाइड्रोजन परमाणु को दर्शाता है। कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित चार संयोजी इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोग कर चार सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। आइए कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु का बनना समझें। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन परमाणु को काले रंग से प्रदर्शित किया गया है और क्लोरीन परमाणु को हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित चार सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर चार सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। आइए पानी में बनने वाले सहसंयोजी बंध को समझें। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु को हरे रंग से और लाल रंग से हाइड्रोजन परमाणुओं को दर्शाया गया है। ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित छह संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से दो संयोजी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर दो सहसंयोजी बंधों का निर्माण करते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन परमाणु को हरे रंग से तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को काले रंग से दर्शाया गया है। नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित पांच संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन से साझा कर तीन एकल बंधों का निर्माण करते हैं। आइए ऑक्सीजन अणु में बनने वाले सहसंयोजी बंध को समझें। ऑक्सीजन परमाणु को हरे रंग से दर्शाया गया है। ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्ष में छह संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। छह संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में से दो संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के दो संयोजी इलेक्ट्रॉन से साझा कर द्विबंध का निर्माण करते हैं। आइए एथीन परमाणु में किस तरीके से द्विबंध का निर्माण होता है इसे समझें। यहाँ कार्बन परमाणुओं को काले रंग से तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को लाल रंग से दर्शाया गया है। कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में चार संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से दो संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन परमाणु के दो संयोजी इलेक्ट्रॉन से साझा कर द्विबंध का निर्माण करते हैं और बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर एकल बंधों का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन अणु में त्रिबंध पाया जाता है। आइए देखें इस त्रिबंध का निर्माण कैसे होता है। नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं और प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्ष में पांच संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन पांच संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉनों से साझा कर त्रिबंध का निर्माण करते हैं। एथाइन अणु में त्रिबंध पाया जाता है। आइए देखें त्रिबंध का निर्माण कैसे होता है। यहाँ दो कार्बन परमाणु हैं। इन प्रत्येक कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में चार संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन परमाणु के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉनों से साझा कर त्रिबंध का निर्माण करते हैं। दोनों कार्बन परमाणुओं के बचे हुए एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर एकल बंधों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार
एथाइन अणु में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध पाए जाते हैं।